लाल किताब से प्रेम रखने वाले सभी मित्रों को विकास बत्रा, लाल किताब स्टूडेंट का नमस्कार, सभी को राम राम जी। जो भी मित्र लाल किताब ज्योतिष करते हैं, अक्सर उन मित्रों को मोबाइल में जब कुंडली देख रहे होते हैं और अगर मंथली कुंडली बनाने की आवश्यकता होती है तो हम लाल किताब की जन्म कुंडली एस्ट्रोसेज से जब बनाते हैं, एस्ट्रोसेज का जो सॉफ्टवेयर है सबको मालूम है, मोबाइल में प्ले स्टोर में मिल जाता है, जो लोग नहीं यूज़ करते हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर लें। और मान लीजिए हमने इसको डाउनलोड किया और लाल किताब की जन्म कुंडली को हमने बना लिया, उसके बाद हम वर्षफल पे जाएंगे। अब वर्षफल कुंडली में जाने के बाद हमें अगर मंथली कुंडली चाहिए तो हम इसी चार्ट के ऊपर मंथली कुंडली बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, जो कि सॉफ्टवेयर में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें एक तरीका दिया हुआ है कि अगर आप स्क्रीन पर किसी भी भाव या खाने पर टच करेंगे तो वो राशि जो है, ये जो खाना नंबर है वो लगन में आ जाएगा। जैसे ये मेरा पहले से गलती से टच किया हुआ है, नहीं टच नहीं किया हुआ है, हाँ ये टच किया हुआ था, तो ये लाल किताब का वर्षफल है, खाना नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं। अब अगर हमें किसी भी जातक की, मान लीजिए किसी महीने का मंथली कुंडली बनानी है, तो हम सूर्य जहाँ पर है उसको उस महीने में बिठाकर, उस भाव में बिठाकर उस बाकी ग्रह को सीक्वेंस में लिख देते हैं, इसी तरतीब में लिख देते हैं, तो मंथली कुंडली बन जाती है जो कि हमें उस वक्त के हालात देखने में मदद मिलती है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके माध्यम से कि अगर मान लीजिए हमें किसी का पहला महीने की कुंडली चाहिए किसी वर्षफल की, तो सूर्य जिस भाव में है उस भाव को आप टच करेंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य पांचवे घर में है तो इसको यहाँ पर टच करने पर सूर्य पहले घर में चला गया। अब ये सूर्य पहले घर में जाने से बाकी के जो वर्षफल के जो ग्रह हैं वो वैसे के वैसे ही आगे पीछे अपने अपने भाव में चले गए। ठीक इसी तरह अगर हमें दूसरे मंथ की कुंडली बनानी है तो हम चार नंबर को क्लिक करेंगे जो लगन में आ जाएगा और जिससे सूर्य खाना नंबर 2 में चला जाएगा। इसी तरह 3 को क्लिक करेंगे तो 3 में चला जाएगा, 2 को क्लिक करेंगे तो सूर्य चौथे भाव में, 1 को क्लिक करेंगे सूर्य पांचवे भाव में, इसी तरह 12 को क्लिक करेंगे तो सूर्य छठे भाव में आ जाएगा, इसी तरह फिर क्लिक करेंगे 11 को तो सूर्य सातवें भाव में, सातवें महीने की कुंडली, 10 को क्लिक करेंगे आठवें भाव में, फिर 9 को क्लिक करेंगे तो ये नौवें भाव में, उसके बाद 8 को क्लिक करेंगे तो ये 10वें भाव में, उसके बाद 7 को फिर से क्लिक करेंगे तो ये 11वें महीने का मंथली कुंडली बन जाएगी, इसी तरह 6 को क्लिक करेंगे तो ये 12वें महीने की कुंडली बन जाएगी। इसी तरह हम मंथली कुंडली बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।